जॉब्स इन आईटी सेक्टर फॉर फ्रेशर। तो 2025 में फ्रेशर के लिए आईटी सेक्टर में जॉब का क्या रोड मैप होने वाला है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी स्किल आपको सीखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको जो सीखना है HTML, CSS और JavaScript। इसमें क्या करना है, HTML और CSS को आपने बेसिक स्टडी करनी है और JavaScript को एडवांस लेवल पे स्टडी करनी है। इसके बाद क्या करना है, आपने रिएक्ट रिएक्ट को एडवांस लेवल पे स्टडी करनी है और नेक्स्ट जेएस और नेट नोड जेएस को बेसिक लेवल पे आपने स्टडी करनी है। अब HTML और CSS को आपने बेसिक रूप से पढ़ना है। बेसिक का मतलब ये है कि आपने सारे टैग्स नहीं पढ़ने, आपको मेनली पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा संभव है। लेकिन जावास्क्रिप्ट को आपने एक एडवांस लेवल पे करना है और कम से कम 15 प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करने हैं। प्रोजेक्ट इसमें मेन होते हैं। अब उसमें क्या करना है, आपने रिएक्ट के भी कम से कम 5 प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं। अब ये सब कंप्लीट होने के बाद आप जो है 20% अपने जॉब के एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, फिर आपने क्या करना है, जावा को एक एडवांस लेवल पर स्टडी करनी है और फिर आपने पाइथन पढ़ना है और फिर आपने एसक्यूएल को पढ़ना है। ये तीनों चीज़ें आपने ढंग से पढ़नी है और इनके कम से कम जावा के 15 प्रोजेक्ट, पाइथन के 5 प्रोजेक्ट और एसक्यूएल का एक एडवांस लेवल पे आपने स्टडी करनी है। अब ये चीज़ सब आप अपना ऐड कर लेंगे तो आप जो है 40% एलिजिबल हो जाएंगे जॉब के लिए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट को एक बेसिक लेवल पे स्टडी करनी है और फिर आपने अपनी पर्सनैलिटी बिल्डिंग करनी है और आपकी इंग्लिश जो है अच्छी होनी चाहिए, आपने अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है। और इसके बाद आपने इंटरव्यू क्वेश्चन करने हैं, डिफरेंट टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन करने हैं जो आपको नेट पे उपलब्ध हो जाएंगे। इससे आप जो है 80% जॉब के एलिजिबल हो जाएंगे और बाकी 20% जो है वो जो है आजकल किस्मत का खेला हो रहा है। तो आपका इंटरव्यू कैसा आता है, आपके क्वेश्चन कौन कैसे पूछे जाते हैं, आपका इंटरव्यूअर कैसा है, तो इस पे आपको डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए अपना स्किल आप डेवलप कीजिए और अपने एक स्किल पे फोकस कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।